एक क्लियर इंटेंट जो एडवर्सरी की एनिमी की है कि अगर किसी तरीके से यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भड़का नहीं सकते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, कश्मीर में भी नहीं कर सकते हैं, तो एक इंटेंट जो है एनिमी की वो ये है कि अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। अब बहुत लंबी टेरान है हमारा, डिफ़िकल्ट टेरान है, जंगल है, खाड़ी है, पहाड़ है, नाला है, तो इसको मद्देनज़र इसको इस्तेमाल करके इसमें फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स को अंदर डाल के इसको, खासकर जामुद जगह को अस्त व्यस्त करने के लिए और एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए एक कोशिश ज़रूर एनिमी की है, ये एक सच्चाई है। सर अब अगर आप तो ये पूछते हैं कि ये जो एफर्ट है, ये जो इनकी पुश, ये जो इनकी धक्का है, ये धक्के के सामने हमारा रिस्पांस जो है, हम अपना रिस्पांस बना रहे हैं और उसको हम नुकसान अगर छोटी बहुत उठानी पड़ेगी, जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं, हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, पर यह है कि वो कानून के बाहर है और उनका कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए उनकी नुकसान करने की क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा दिखती है।